स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। आप देख रहे हो अचानक से हम कहाँ आ गए, तो हम पहुँच गए हैं अभी मथुरा। हम वहाँ से सुबह निकले, 7 बजे हमारी ट्रेन थी जो कि हमें 2 बजे यहाँ पहुँचा दी। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरा दोस्त आने वाला है, तो अभी वो आने वाला था, हालांकि हमसे पहले पहुँच जाता, पर हुआ क्या कि उसकी ट्रेन हो गई है मिस। तो वो आएगा शाम को 6 बजे, वहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे 7-7.5 बजे तक पहुँच जाएगा, जो राजस्थान से है। तो मथुरा पहुँचने उसको टाइम लेगा, अभी 5:15 बज चुके हैं शाम के। तो अभी हम आए हुए हैं मथुरा तपोभूमि में। तो तपोभूमि में रहने की व्यवस्था हमारे गायत्री परिवार की तरफ से ही है। यहाँ पे हम मतलब पहले वहाँ गायत्री तपोभूमि गायत्री का जो पहला गायत्री मंदिर है वो मथुरा में ही है। अब मेरे को आज ही पता चला, पहले मेरे को इतना नोटिस नहीं किया था। मैंने कविता ने बताई, वहाँ लिखा था कि विश्व का पहला गायत्री मंदिर मथुरा में है। मैंने कहा क्या बोल रही है, वहाँ देखा सतम लिखा था। फिर मैंने इमेजिन किया, मैंने कहा हाँ ये सही बोल रही है, रिवाज सही है। तो अभी हम यहाँ आए हुए हैं। यहाँ से गायत्री तपोभूमि का रास्ता 1 किलोमीटर करीब है। अभी ये बिरला मंदिर के पास यहाँ गायत्री परिवार का ही कुछ काम चल रहा है, तो वहाँ पे हमें ये बिल्डिंग और ये रूम दी गई है रहने के लिए। तो यहाँ हम 2 दिन रुकेंगे और जहाँ जहाँ भी जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो अभी आपके रूम दिखा देता हूँ, रूम कैसा क्या है। अभी जस्ट आया हूँ वहाँ से, आके बढ़िया नहाया, क्योंकि नहा तो मैं एक बार सुबह भी ली थी, गर्मी हो गई, ट्रेन में बहुत हालत ख़राब हो गई थी, नहाए कपड़े वगैरह पीछे सूखने डाल दिए हैं। चलो पहले आपको बार रूम टूर करा देता हूँ और उसके बाद चलते हैं बाहर। हाँ, उसके पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी मेरे साथ लोचा होते होते बचा। हुआ क्या कि मेरा जो पार्सल आने वाला था 100K का सिल्वर पे बटन, तो वो जो आने वाला था तो उसके लिए एक मैसेज आया मेरे पास UPS की तरफ से कि भाई आपके पास ये लिंक है, तो इस लिंक पे क्लिक करो, एक PDF फाइल उसको डाउनलोड करो और KYC कर दो। तो KYC करना पड़ता है, जब हमारा कोई बाहर से प्रोडक्ट आता है तो उसके लिए KYC इंपॉर्टेंट रहती है। तो मैंने KYC के लिए फॉर्म के लिए लिंक आया था, तो मैंने टेक्स्ट मैसेज आया था, ईमेल में नहीं आया था, पहले टेक्स्ट मैसेज आया था, मैंने उस पर क्लिक किया तो मैं उसको कॉपी करने की जगह उसको डिलीट कर दिया, सॉफ्ट की भाई डिलीट हो गया। फिर मैं परेशान हुआ, मैंने कहा यार क्या करूँ, अब लिंक भी गया, ये सब बहुत ढूंढा नहीं मिला वो। फिर मैंने कॉल किया UPS जो कुरियर कंपनी है उनको, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम अपनी कंपनी को बोल के आपको फिर से ईमेल वगैरह सेंड करवा देते हैं। तो उन्होंने मेरे को फिर से दोबारा से लिंक दिया ईमेल पे, तो ईमेल पे मेरे को लिंक भी मिल गया और वो फॉर्म भी मिल गया। तो वो फॉर्म को मेरे को भरना है और मेरा आधार कार्ड दोनों सबमिट करके उनको दोबारा से मिल करना, जो कि हम अभी बाहर जाके कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें जाना है, खाना खा के आना तपोभूमि, और वहाँ का चीज़ भी जो भी है तो वो आपको दिखाएंगे, ब्लॉग कर देंगे। तो चलो मतलब होपली सब कुछ अच्छा हो गया है, तो कविता भी रेडी हो गई है, मतलब दोनों नहा लिए बढ़िया। ट्रेन में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई, चलो आपको पहले रूम टूर करा देता हूँ। तो ये वो बिल्डिंग है जहाँ हम रुके हुए हैं और ये हमारा रूम है, और यहाँ से हम जैसे ही इंटर करते हैं, ये दरवाज़ा इसको बंद कर देता हूँ पहले मैं, क्योंकि अभी हवा बहुत बाहर चल रही बहुत तेज। तो यहाँ पर ये रूम है हमारा, ये यहाँ पे 3 बेड लगे हुए हैं, क्योंकि 2 लोग और आने वाले हैं राजस्थान से, तो उनका भी हमने एंट्री करवा ली है, तो वो लोग भी आ जाएंगे, तो यहाँ 4 लोग आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। और ये नीचे है और ऊपर एक फ़ैन लगा है, और यहाँ पे एक टेबल है जहाँ हमने कुछ सामान अपना आते ही बगरा दिया है जो कि हमारा काम है, और यहाँ ये झोला जो हम वहाँ से लेके आए, तो यहाँ कपड़ा सूखने वगैरह डाल दिए। और यहाँ पर है एक वॉश बेसिन, और यहाँ लगा है एक मिरर जो कि मैं दिख रहा हूँ आपको, और इसी से जस्ट बाजू में एक अलमेरा है, काफ़ी बड़ा है, उसमें कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं, बाकी बढ़िया साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है टॉयलेट यहाँ पे, और इसी के जस्ट बाजू में दिया हुआ है वॉशरूम, ये रहा वॉशरूम जो कि अभी नहाए तो काफ़ी गीला है। तो यही है हमारा पूरा रूम टूर, इतना छोटा सा रूम है, खैर काफ़ी बड़ा रूम है, इसमें 4-5 लोग आराम से रह सकते हैं, पर 3 बेड है, 3 बेड के हिसाब से काफ़ी अच्छा रूम। और यहाँ पे एक लगी है विंडो जहाँ से अपन बाहर का व्यू देख सकते हैं, घर वगैरह देख रहे हैं, कांच की विंडो, और यहाँ से बैक से पूरा देखो कुछ ऐसा दिखता है ये रूम। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी 5:30 बज चुके हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं, सोनू लोगों को भी लेना है तो उन लोगों को ले लेंगे वहीं से, क्योंकि उनको पता नहीं यहाँ पे आना कैसे गया, तो हम यहाँ से जाएंगे पैदल ही, क्योंकि रास्ते में हमें थोड़ा सा काम करवाना है, ये पेन रख रही क्योंकि वहाँ पे साइन करना है, ID प्रूफ वगैरह सबमिट करना है, तो वो भी करवाना, थोड़ा सा काम जो है वो करवाना है, और उन लोगों को लेके खाना खा के फिर हम आएँगे वापस। तो चलो चलते हैं। यहाँ मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश का और हवा चल रही है काफ़ी तेज, हल्का हल्का पानी भी आने लगा है। ये पीछे गौशाला और ये पीछे जो बिल्डिंग है उस पर रुके हुए हैं हम लोग, और तो अब जाते हैं बाहर, यहाँ पीछे बाजू में बिरला मंदिर है।
तो अभी हम मथुरा में यहाँ पर रुके हुए हैं, ये बिल्डिंग से वहाँ पे हमारी बिल्डिंग है, यहाँ से आए थे तपोभूमि से, तो यहाँ भेजा गया था और यहाँ पर रुके हुए हैं। अभी हम आ गए हैं बिरला मंदिर, यहाँ पीछे पे बिरला मंदिर है पूरा, तो हम अंदर तो अभी नहीं जाएंगे, बाद में देखेंगे सोनू लोग आ जाएंगे उसके बाद जाने का मौका मिला तो जाएंगे, अभी अपना काम करवा लेते हैं। अभी जाना तपोभूमि, वहीं पर उन लोग आएंगे, वहीं पर आएंगे तो उनको वहीं से लेना पड़ेगा, यहाँ तक उनको पता नहीं है अभी, इस कारण हम जा रहे हैं उनको लेने के लिए। पैदल पैदल जा रहे हैं, 1 किलोमीटर है, पैदल पैदल आराम से पहुँच जाएंगे क्योंकि चले भी नहीं आज, तो आ जाएंगे घूम के। ये पीछे साइड देखो गीता वाणी भगवान और ये पीछे है बिरला मंदिर, हम वहाँ से चल के काफ़ी दूर तक आए, फिर हमें एक दुकान मिल गई थी पीछे CSC की, तो हमने प्रिंट आउट ले लिया है और मिट्टी वगैरह साइज वगैरह भी कर दिया है और इसको फोटो क्लिक करके PDF बना के उनको भेज देना है। अब जाते हैं इसके बाद हम तपोभूमि, तो अभी हम पहुँच गए हैं गायत्री तपोभूमि। ये देखो ऊपर बोर्ड लगा है और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ लिखा है विश्व का प्रथम गायत्री मंदिर, जो कि यहाँ पर है, आप देख सकते हो। तो अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है, यहाँ खाने का सिस्टम बड़ा मस्त है, वहाँ पे थालियाँ हैं यहाँ लोग और यहाँ पीछे पे पूरे में लगी हुई है टेबल, वहाँ पे खाना मिलता है और वहाँ टेबल से लो लो भैया दे देते हैं और खा लो। तो हम अभी यहीं बैठे हुए हैं, यहाँ थोड़ी लाइट कम है इस कारण से अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, सोनू का वेट कर रहे हैं और ईमेल जो आया था मैंने उसको सबमिट कर दिया है, फॉर्म वगैरह हमने वहीं से ले लिए थे, साइन वगैरह किया, यहाँ आके फ़ोटो किया, PDF बनाया और उसको सबमिट कर दिया और अभी हम जस्ट खाना खा के आए और यहाँ पे बैठे हैं। अब सोनू आ जाए उसके बाद जाएंगे रूम में, अभी उसको 10-15 मिनट और लगेंगे मथुरा पहुँचने में और उसके बाद वो आएगा, मतलब 1 घंटे में करीब लग जाएंगे रूम में पहुँचने में। इसका हम कब से वेट कर रहे थे, अब जाके आया है, ये देखो अब उतरा है यहाँ आके, ये देखो इसका वेट करते करते सुबह से शाम हो गई और अब जाके आया है, इतना लेट क्यों लगाया हाँ? चलो खाना खा लो, खाना खत्म हो गया। तो गाइस रात में वहाँ से आते रहे हमें काफ़ी लेट हो गया था, 9:30 करीब बज गए थे और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी वहाँ, क्योंकि दिन भर का सफ़र हो गया था और पैदल चलना भी हो गया था, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे फिर। और यहाँ पे लाइट का थोड़ा इशू था, ज़्यादा लाइट नहीं थी तो मैंने ब्लॉग नहीं किया, थोड़ा छत में घूमे वहाँ से आके उसके बाद सो गए और ये बंदा अभी नहा के आया है जस्ट, और अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। तो आज के ब्लॉग में यहीं पर एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। अब हम जाने वाले हैं, आज का भी नहा लें, उसके बाद नया प्लान कर रहे हैं कहीं जाने के लिए, तो जहाँ भी जाएंगे उसका ब्लॉग आपको मिलेगा।